ज्वार की प्रोसीजर आपको दिखाते हैं कैसे होती है सफाई और कैसे होती है पैकिंग। आपने देख लिया, ये सीधी बोरियों में से निकाली हुई है, स्टॉक की हुई, और यहाँ से बोरियों को निकाल के यहाँ पे आती है, यहाँ से जाती है इस मशीन में, और वहाँ से जाती है इस मशीन में घूमती हुई, यहाँ सफाई होके, यहाँ पर सफाई होके इस साइड डलती है यहाँ पे, और यहाँ से होती हुई वहाँ से होती हुई इसमें आती है, और इसके बाद में इसमें क्या बोलते हैं अंडर साइज होती है यहाँ पे। और आओ आपको और दिखाते हैं, और यहाँ से इसमें आती है, हाँ इससे साफ होकर इसमें आती है, इससे ना सफाई होके यहाँ से होती हुई इस मशीन में आती है, सिलेंडर मशीन है ये, सिलेंडर मशीन में आती है, और यहाँ से एलिमिनेटर से ऊपर जाके ग्रेविटी में जाएगी, और ग्रेविटी से ये देखो आप, और यहाँ से होती है पैकिंग होती है यहाँ पर, यहाँ से ग्रेविटी में आके फिर ग्रेविटी से भी अंडर साइज निकलता है, बिल्कुल प्योर इसमें से निकलता है, बिल्कुल प्योर। तो इस एक नंबर से दो नंबर में थोड़ा डाउन और फिर तीन नंबर में उससे भी डाउन, यानी कि ये बेकार में आ जाती है। अच्छा, तो इसका सैंपल दोगे आप जो एक नंबर का? हाँ, ये एक नंबर से। ये देखो आप, थोड़ा सा यहाँ पर ना अंधेरा है, बाहर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो आप ज्वार जो हम पशुओं के लिए बीजते हैं खेतों में चारा के लिए, देखो बहुत बढ़िया वैरायटी है, और यहाँ से होती है पैकिंग वाली कहाँ पर मशीन पैकिंग आपका ये जो दुकान का ही है कि ये बहन दादा, और इसमें होती है पैकिंग। फिर नाम देख लो आप, किसी भाई को चाहिए तो सिरसा में ये कौन सी रोड पे, रानिया रोड पे तारा बाबा की कुटिया के पास में है ये, कोई भाई अगर इकट्ठी ज्वार लेना चाहे तो ले आ सकते हो आप। थैंक यू, धन्यवाद। तो वीडियो बनाओ।